हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज बनने जा रही है हरी हरी सी भिंडी, और ये बनने के बाद भी हरी हरी सी लगेगी। भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया और पौने से साफ़ करके सुखा लिया अच्छे से। तो इसके लिए दो मैंने प्याज ले लिए। तो भिंडी में प्याज थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सिंपल से तरीके से बनाऊँगी। कढ़ाई में तो बहुत बार खाई है आप लोगों ने, और आज हम बनाएंगे तवे पे, जो बहुत ही खिली खिली और एकदम से ग्रीन कलर की बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। भिंडी को मैंने कट कर लिया और साथ ही साथ प्याज को, तो ऐसे लंबे लंबे से प्याज कट कर लिए, दो हरी मिर्चें कट कर ली। तो तवा हमने गैस पे रख दिया और इसमें डाल दिया अब तेल, सरसों का तेल डाला इसमें। और ये वाला जो चम्मच है ना, बड़ा वाला, ये भर के दो चम्मच के करीब है तेल। अभी डाल दिया आधा चम्मच सूखा वाला धनिया, और जो मिर्चे थी वो भी डाल दी अभी। तो तवे पे भिंडी का अलग ही स्वाद आता है। अब डाल देते हैं प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। प्याज अभी हो गया। अभी आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सी लाल मिर्च, आधे चम्मच से भी थोड़ी, क्योंकि हरी मिर्च पहले की डली हुई है। तवे पे सूखी सब्जी स्वाद तो बहुत लगती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ता है कि जैसे हम कढ़ाई में चम्मच इधर उधर ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, तो इस पे ज़रा ध्यान से हिलानी पड़ती चीज़, ताकि तवे से बाहर ना निकल जाए। तो बस यही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इस पे। तो ये आधा चम्मच नमक डाल दिया। अभी जो हमने भिंडी काट के रखी है वो डाल दी है। तो 300 ग्राम के करीब ये भिंडी की सब्जी है। धीरे धीरे करके डाल देना। अभी इसको धीरे धीरे से मिला लेना। गैस हमने मीडियम की हुई है। तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देना एक चम्मच अमचूर पाउडर। तो अमचूर से इसका टेस्ट बढ़ेगा अभी। तो भिंडी में ये तो डलता ही है। और अभी अमचूर को मिक्स करने के बाद हमें कुछ देर इसको ढक देना, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और गैस थोड़ी सी कम कर देनी है तब ढकने के बाद। तो ये अभी ढक दिया, अभी देख लेते हैं। तो अभी सब्जी को ऐसे ही पकाएं, 2-3 मिनट तक ही पकाएं, गैस थोड़ा तेज कर दें। तो बस अभी सब्जी तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो खिली खिली सी भिंडी और हरी हरे से कलर वाली, तो खाने में भी बहुत टेस्ट लगती है। अगर आप ज़्यादा इसको क्रंची करना चाहते हो तो कुछ देर और पका लीजिए। तो ये देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई है, और अभी इसे गर्म गर्म रोटी के साथ खाएं तो मज़ा आ जाएगा तवा भिंडी खाने का। तो कढ़ाई से बनी भिंडी से ये कई गुना ज़्यादा स्वाद देती है। तो अभी इसे निकाल लेते हैं। तो आप भी तवे पे भिंडी ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।